लाइक इन अ शॉक, थोड़ा शॉक में था अंदर ही अंदर, मैं शो नहीं कर रहा था समझ वो गए चीज़। आप? मुझे तो अभी तक बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं गैस में हूँ। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द वीडियो। बहुत लोग पूछ रहे थे, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की डिमांड के लिए वीडियो मैं बना रहा हूँ कि भाई पब्लिक एकदम सरप्राइज्ड है कि बंदा बल्क से गैस कैसे आया और कैसे उसने ये सब किया, क्या किया ऐसा कि वो गैस पहुंच गया। तो दिस वीडियो माइट बी इमोशनल और ये मेरी स्टोरी, मेरी जर्नी के बारे में होगी। सो प्लीज़ इसको अंत तक देखना अगर आप कुछ सीखना या कुछ मोटिवेट या फिर कुछ लर्न करना चाहते हैं। सो अभी मैं अपने रूम में बैठा हूँ, इट्स माई ऑफ टाइम, सो आई थॉट कि क्यों ना शेयर की जाए। तो सबसे पहले मैं वीडियो की स्टार्टिंग करने से पहले आपको बता देता हूँ, अपना बैकग्राउंड में ले जाता हूँ। बैकग्राउंड 2015, जब मैं कॉलेज में था लास्ट ईयर, मैं बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस, बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक, हद से ज़्यादा, कुछ आता भी नहीं है फिर भी कॉन्फिडेंस एकदम बहुत तगड़ा वाला लेवल वाला कॉन्फिडेंस था। एंड मैं एक ड्रीम बुक मेंटेन करता था, ज़्यादा टाइम तक नहीं मेंटेन की बट मैं मेंटेन करता क्योंकि मैं काफ़ी बुक्स पढ़ रहा था उस टाइम पे। एंड वो जो मेरी ड्रीम बुक थी वो एक डायरी थी, उसमें मैं अपनी करियर गोल्स, फिर फिजिकल गोल्स, ऐसे तरह तरह के गोल्स जो भी हैं मेरे, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, वो लिखा करता था। और मैं उस टाइम एक बुक पढ़ रहा था, मुझे उस बुक का नाम याद नहीं है बट उस बुक में एक चीज़ बताई थी कि आप जो भी ड्रीम कर रहे हो उसकी पिक्चर होना बहुत ज़रूरी है। तो करियर के लिए मैंने काफ़ी शिप्स, दो शिप्स की पिक्चर लगाई हुई थी और फिजिकल वो सब छोड़ो। जो मैंने शिप की पिक्चर लगाई थी दैट वाज LNG कैरियर, गैस कैरियर ऑब्वियसली, LNG टाइप, जिसमें प्रिज्मेटिक डोम होते हैं ऐसे ऊपर, बड़े बड़े गोले आपने देखे होंगे जहाज के ऊपर, दैट्स दैट टाइप। एंड टू बी फ्रैंक 4 या 5 साल लग गए हैं एंड नाउ आई एम सिटिंग ऑन अ गैस कैरियर LPG, अ ड्रीम कम ट्रू। अगर देखा जाए तो कुछ नहीं है बट मेरे लिए बहुत कुछ है। आई एम रियली सरप्राइज्ड, इट इज़ जस्ट अ जादू बोल सकते हैं विच हैपन इन माई लाइफ एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी अबाउट इट। आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू द गॉड, टू माई पेरेंट्स, टू एवरी वन, टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, टू ऑल द कैप्टन्स, टू ऑल द चीफ इंजीनियर्स हु हैव गाइडेड मी ऑल द टाइम। प्लस आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल माई कलीग्स, फ्रेंड्स, बहुत हेल्प की उन लोगों ने मुझे, एंड ऑल्सो ऑल माई थर्ड ऑफिसर, फोर्थ इंजीनियर, सेकेंड ऑफिसर, थर्ड इंजीनियर, सेकेंड इंजीनियर, चीफ ऑफिसर, जो भी मेरे दोस्त हैं जिनसे मैं बात करता हूँ अभी तक, उन सबको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो वेरी बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू भाई, थैंक यू सो मच, रियली आई रियली अप्रिशिएट। आई नो आई माइट बी बोरिंग यू बट आप मेरे जो अंदर की फीलिंग्स हो वो आपको समझ में आ रही होंगी। तो कहानी आपको मैंने बता दी स्टार्टिंग में, अब यूनिवर्स ने वो चीज़ जो मेरी मैं करता था वो पकड़ी, बट मुझे नहीं पता था, आई नेवर न्यू कि आई वुड बी ऑन अ गैस कैरियर एवर इन माई टाइम। और टू बी फ्रैंक यार, गैस कैरियर में होना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है कि बहुत बड़ा पहाड़ खोद दिया आपने। यू एवरी वन इज अ सेलर, चाहे वो कंटेनर में हो, चाहे वो बल्क कैरियर में हो, चाहे वो टैंकर्स में हो, चाहे वो गैस में हो, एवरी सेलर इज डूइंग अ हार्ड वर्क, बहुत ही खतरनाक वाला कर रहे हैं। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू ऑल द सेलर्स ऑफ दिस वर्ल्ड, नॉट इंडियंस, एवरी वन, क्योंकि मुझे मालूम है द लाइफ ऑफ अ सेलर क्या जी रहे हैं लोग, विद अ स्माइल ऑन देयर फेस। आई रियली लव्ड इट। एवरीवन जो भी जहाज पे रहता है सब स्माइल करते हैं, सब काम करते हैं, सब रगड़ते हैं अपनी, एंड ब्यूटीफुल। एंड आई ऑल्सो रियली वॉन्ट टू थैंक गॉड कि भाई जहाज पे लोग एकदम ऑसम मिले हैं, एवरी टाइम आई गेट ऑसम लोग। आप लोगों ने मेरे ब्लॉग्स देखे होंगे, सो अगर आप मेरे व्लॉग्स फॉलो कर रहे हैं पिछले 1-2 महीने के, तो आप लोग को मालूम होगा कि मैंने प्लान किया था आई विल डू माई क्लास 2 कोर्सेज एंड देन आई विल गो ऑन बोर्ड शिप, वही हुआ प्लान। पर जैसे ही मेरा क्लास 2 खत्म हुआ मुझे एक न्यूज़ मिलती है कि मेरी लास्ट कंपनी जो है दे आर नॉट टेकिंग मी ड्यू टू सर्टेन रीजन्स, आई डोंट वॉन्ट टू डिस्क्लोज दैट रीजन्स, जो भी हैं जाने दो।
इट ऑल हैपेंड बिकॉज यहाँ आना था, समझ रहे मेरी बात? इट ऑल हैपेंड बिकॉज यहाँ आना था। अभी तो मैं वैसे सोचूंगा, ये जो लास्ट के दो महीनों में मैं बहुत नेगेटिव गया हूँ बिकॉज आई एम ह्यूमन बींग, आप लोग नेगेटिव जाओगे यार ऑब्वियसली, बट मेरे अंदर वो पॉजिटिव वाइब था कि भाई मुझे मिलेगा। मैं जो भी चीज़ें आप लोगों को बताता हूँ मेरी वीडियोज़ में, जो भी मैंने चीज़ें बताई हुई हैं, मैंने सब फॉलो की हैं ऑनलाइन। कंपनी को रिज्यूमे भेजना, कंपनी के साथ बात करना, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, वेबसाइट, सब कुछ किया मैंने। एंड पहले मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि एक दो में ही मुझे रिप्लाई आ जाएगा, बट रिप्लाई नहीं आया। देन सडनली फेज केम जहाँ पर मेरे पास टाइम था, मैंने बोला यार, तो मैंने बहुत लोगों को डिस्कस किया, लोगों ने बोला व्हाई डोंट यू चेंज ओवर, थोड़ा सोचो उसके बारे में, गो टू गैस, नो प्रॉब्लम, अभी आप जहाज पे जा ही रहे हो तो व्हाई नॉट हैव गुड रिज्यूमे में स्टैम्प ऑफ गैस कैरियर। बट मैं फिर से आपको बता देता हूँ, इट डज नॉट मैटर आप किस शिप में हो, इट डज नॉट मैटर, इट इज़ ऑल योर पर्सनल चॉइस, बाद में हो सकती है, स्टार्टिंग में तो कुछ भी मिल रहा है चले जाओ, बट बाद में आपके हिसाब से जैसे आपको अच्छा लग रहा है वहाँ पर जा सकते हो। कई लोग गैस कैरियर प्रेफर नहीं करते हैं, बट हमारे लिए ऐसा नहीं, हम हर जगह चले जाते हैं। थोड़ा इमोशनल वीडियो जा रही है बट कोई बात नहीं। तो मैंने बहुत जगह ट्राई किया, मुझे कहीं से भी ढंग के ऑफर्स नहीं आ रहे थे, और जहाँ से भी आ रहे थे दैट वाज ऑल थर्ड क्लास, थर्ड ग्रेड कंपनीज, मैं ब्लेम नहीं करूँगा बट बहुत कम पैसे में बुला रहे थे। बट फिर मैंने सोचा नहीं, आई शुड नॉट गो ऐसे। सो मैंने ट्राई करता गया, वेट करता गया, ट्राई करता गया, वेट करता गया, बात करता गया। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मैंने इतने मैसेज किए हैं कि मुझे याद नहीं मैंने कितने मैसेज किए हैं, क्योंकि अभी भी वो मैसेजेस धीरे धीरे जा रहे हैं, तो सोच सकते हो आप मैंने कितने मैसेज किए होंगे, कितने ईमेल्स भेजे होंगे। तो पता नहीं कैसे हुआ, आई डोंट नो, हो गया बस, फिर अचानक से मुझे यहाँ पर बुलावा आता है। एंड आई थॉट कि बल्क में लेंगे ऑफकोर्स, बट मैं उस टाइम पर बल्क और गैस में सेलेक्ट हुआ था, मुझे बल्क के चांसेस ज़्यादा लग रहे थे होपफुली, बट जैसे कि सब कंपनी के प्रोसीजर्स होते हैं, इंटरव्यू, एग्ज़ाम सब हुए मेरे, फिर 2 से 3 इंटरव्यू हुए मेरे, एंड देन दे फाइनली फाइनलाइज मी फॉर गैस करियर, एंड आई वाज लाइक इन अ शॉक, थोड़ा शॉक में था अंदर ही अंदर, मैं शो नहीं कर रहा था वो चीज़, बट मैंने सोचा यार ठाकुर क्या बात है, मिल रहा है यार, वाह मजा आ गया, एंड आई एम रियली थैंकफुल। मैं अभी तो जब जब मुझे टाइम मिलता है आई एम रियली थैंकफुल। आई नो जो लोग गैस में होंगे उनको लग रहा होगा यार क्या है, तुम भी हीरोगिरी दिखा रहे हो यहाँ पे, बट हम जैसे लोगों के लिए इट इज़ अ बिग अचीवमेंट यार, इट इज़ अ बिग अचीवमेंट। कल क्या होगा आई डोंट नो, पर आज जो हो रहा है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, कल किसने देखा नहीं है। एंड आई एम ऑन अ LPG कैरियर, टच वुड, थैंक यू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, थैंक यू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। ये वीडियो मुझे बनाना था, इट इज़ माई जर्नी वीडियो एज वेल एज अ थैंक्स गिविंग वीडियो ऑल्सो, अ बिट इमोशनल, बट नो होना पड़ता है बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स। एंड देन गैस में सेलेक्ट हुए, और कैसे 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 करते करते पहुँच गए हैं अब, मुझे तो अभी तक बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं गैस में हूँ, एंड आई एम डूइंग इट, आई एम गिविंग माई 100, 200, 300 जितना हो सकता है, जब तक पाँव चल रहे हैं, जब तक सांसें चल रही हैं, लगे पड़े हैं, बस लगे पड़े हैं। ऑब्वियसली एक ह्यूमन बॉडी है, थक जाती है, तो थकती तो है ही, और अभी इंजन रूम में 40-48 डिग्री चल रहा है, तो आप लोग सोच सकते हो हाल बेहाल है एकदम। इट इज़ ऑल लव ऑफ योर्स, ब्लेसिंग ऑफ गॉड, ब्लेसिंग ऑफ माई पेरेंट्स, ब्लेसिंग ऑफ माई ऑल लव वंस, थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूं कि कीप ड्रीमिंग गाइस, मैं भी आप लोगों की तरह हूं, मैं भी आलसी हूं, मेरे को भी पापा से डांट पड़ती है, मेरे को भी मम्मी से डांट पड़ती है, गालियां पड़ती हैं, मेरे भी पैसे उड़ जाते हैं, सब मेरा सेम ही होता है, सब कुछ सेम ही होता है। आई एम लाइक यू गाइस, बट द पॉइंट इज मैंने कभी रियलाइज नहीं किया था कि वैसे ड्रीम करने से इतना बड़ा अचीवमेंट भी हो सकता है। सो अब मैं ये चीज़ और प्रैक्टिस करने लग रहा हूँ धीरे धीरे।
तो मेरी एडवाइस टू ऑल ऑफ यू इज कीप ड्रीमिंग गाइस, ड्रीम बिग, होगा। इट डज नॉट मैटर आप कौन हो, इट डज नॉट मैटर आपके पास कितने पैसे हैं, इट डज नॉट मैटर आपका पेरेंट्स बैकग्राउंड कैसा है, इट डज नॉट मैटर कि आप कहाँ से आते हो, इट डज नॉट मैटर आपका घर कितना बड़ा कितना छोटा है, इट डज नॉट मैटर आपके पास कार है, आपके पास बाइक है, आपके पास बड़ी बड़ी चीजें हैं, इट डज नॉट मैटर, इट ओनली मैटर्स इज कीप ड्रीमिंग एंड दैट्स व्हाट आई एम डूइंग, आई एम गिविंग माय बेस्ट, आई एम ड्रीमिंग नाउ ऑन फुल स्विंग, तगड़े वाला ड्रीम कर रहा हूँ मैं, एंड द ड्रीम इज ट्रू नाउ, आई एम सिटिंग इन अ रूम of a gas carrier. But in the end, मैं ये फिर से बताना चाहूंगा, it does not matter which type of ship you are in. It does not matter. It only matters is you wanna become a sailor, you wanna sail, you sail. It might be a big ship, it might be a small ship, it might be a cruise, anything. Anything you want. Just sail, guys. And thank you so much. Keep supporting, keep loving. Video अच्छा लगा, like जरूर करना. यहाँ तक आए हो, subscribe जरूर करना. और ऐसे ही vlogs आते जाएंगे. Thank you so much.